और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर एक मर्डर मिस्ट्री ने यूपी पुलिस को 4 महीनों तक उलझाए रखा। शुरुआत में पुलिस जिस केस को लव एंगल से सॉल्व कर रही थी, वो लव एंगल आरोपी के पकड़े जाने के बाद ट्रायंगल में बदल जाता है, जिसने पुलिस को चक्कर में डाल दिया है। अब महिला की डेड बॉडी को रिकवर करने की बारी आई, हर किसी के होश उड़ गए, क्योंकि आरोपी ने पूरे फिल्मी स्टाइल से लाश को ठिकाने लगाया और जगह ऐसी चुनी जहां पर पुलिस का पहुंचना लगभग नामुमकिन था। इसी से जुड़ी बड़ी खबर जो है वो आपको बता रहे हैं, यूपी के कानपुर से। दरअसल ये पूरा मामला सामने आता है, कानपुर में कारोबारी की लापता पत्नी का शव बरामद हुआ है। कानपुर में डीएम आवास के पास मिला है ये शव लापता महिला का। 24 जून को जिम से लापता हुई थी महिला। कारोबारी की पत्नी जिम ट्रेनर विमल पर महिला की हत्या का आरोप लगा है। 4 महीने से फरार चल रहा था हत्या का आरोपी विमल। अब देखिए खुलासा किस तरह से होता है। 24 जून से लापता थी और जिम ट्रेनर विमल, जिस पर महिला की हत्या का आरोप है, वो फरार चल रहा था 4 महीने से। अब जाकर कारोबारी की पत्नी का शव है वो बरामद होता, वो भी डीएम आवास के पास। मतलब जो ट्रेनिंग था वहाँ पे, वो जिम कराता था और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराजगी थी कि तुमने तिलक कर लिया, और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ बात विवाद हुआ। क्या महिला उससे शादी करना चाहती थी? अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन के बाद वो, जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी, उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई। और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि हमने उसको मार दिया और मार करके ला करके यहाँ पे। तो कानपुर हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर जो है वो हम आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर, महिला के लापता होने से पहले का जो वीडियो है वो भी सामने आया। से 4 महीने पहले महिला लापता होती है। सीसीटीवी फुटेज में जिम से बाहर निकलते हुए ये महिला जो है वो दिखाई दी थी, और वो तस्वीरें आई है। ये देखिए लापता होने से पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है, जब जिम से बाहर निकल रही होती है, वहां पर कुछ लोगों से बातचीत करती हुई भी वो वहां पर नजर आती है, उसी दौरान का ये वीडियो। कपड़ों से और उनके बालों से बाल वगैरह मिले, और उनकी जो कपड़े जो पहनी हुई थी, जो लोअर पहनी हुई थी, उसकी। आरोपी का डीएम ऑफिस क्या अंदर आना जाना था क्या? हाँ, कब समय तो वो सिखाता था उसको, यहाँ पे अधिकारियों को सिखाता था, यही हमें मालूम है कि वहाँ से आने के बाद 10-11 घंटे यही बैठता था। कार उसी दिन शाम को बरामद, मतलब उसके नेक्स्ट डे दोपहर में बरामद हो गई थी। कार में रस्सी, सिम, उसके सिस्टर के, मेरी जिम का टॉवेल, क्लचर टूटा हुआ, वो सारी चीज़ें मिल गई थी। और अभी इनफैक्ट मैं यही बोलूँगा कि अभी जो स्केलेटन मिला है उसमें भी, उसमें उसकी रस्सी वगैरह मिली है। तो मतलब यही कि विमल सोनी ने जो भी किया पूरी प्लान के साथ किया है। ऑलमोस्ट गड्ढा जो था वो 6 फीट के आसपास था, तो ये एक आदमी का हाथ तो नहीं हो सकता, मतलब होंगे उसमें कम से कम 3-4 लोग तो होंगे। और मुझे तो लगता है डीएम आवास से भी कई सारे लोग, जो भी उनके कर्मचारी होंगे, जरूर कहीं ना कहीं शामिल होंगे, तभी ऐसे नहीं हो सकता। तो गंभीर आरोप जो है वो परिवार वालों की ओर से यहाँ पर लगाया जा रहे हैं। भाई का ये कहना है कि कई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया गया वो एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। कारोबारी की पत्नी 4 महीने पहले मर्डर होता, अब जाकर शव बरामद किया जाता है। अभी फिलहाल पूरे मामले में जांच जारी। और देखिए कानपुर की इस मर्डर मिस्ट्री को लेकर पुलिस जो है वो 4 महीनों तक उलझी रहती है। आखिर में अब आरोपी पकड़ा गया, तब जाकर मामले का खुलासा हो रहा है। आपको इस मामले की एक एक कड़ी शुरुआत से आखिर तक ग्राफिक्स के जरिए जरा हम समझाते हैं कि हुआ क्या है। 24 जून को एकता गुप्ता घर से जिम के लिए निकली थी, और उसके बाद एक्सरसाइज के काफी देर बाद तक एकता जो है वो घर नहीं पहुंचती है। कारोबारी पति जो है उनके, राहुल गुप्ता, उन्होंने इसकी जानकारी जो है वो पुलिस को दी। पुलिस जो है वो जांच शुरू करती है। जांच यहां पर जब शुरू की जाती है तो खाली हाथ रहते हैं तब, उस वक्त में। जांच के दौरान जिम का सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाला जाता है पुलिस की ओर से। फुटेज में एकता बैग लेकर जिम से बाहर निकलती हुई नजर आ रही थी। जो तस्वीरें यहां पर हमने आपको दिखाई हैं, बाहर निकलती नजर आती है, पुलिस से जिम ट्रेनर विमल की तलाश उसके बाद जो है वो यहां पर शुरू की जाती है पुलिस की ओर से। जब सीसीटीवी खंगाला जाता है, कुछ कुछ सवालों के जवाब कहीं ना कहीं पुलिस को मिलते हैं। आगे क्या कुछ होता है वो भी आपको समझाते हैं। जिम ट्रेनर विमल और एकता गुप्ता दोनों लापता थे, दोनों ही नहीं मिल रहे थे। पुलिस को ये शक हुआ कि दोनों एक साथ कहीं चले ना गए हो, भाग ना गए हो। छानबीन होती है, गाड़ी के इस्तेमाल की जानकारी जो है
वो पुलिस तक पहुंचती है। जानकारी मिलती है यहाँ पर इस्तेमाल की गई गाड़ी सिविल लाइन से उसके बाद बरामद की जाती है। गाड़ी में एकता गुप्ता का कुछ सामान जो है वो यहाँ पर पुलिस को बरामद होता है और इसमें रस्सी, टूटा क्लचर, टावल होता है, ये सारी चीजें। दोनों की तलाश में लगातार पुलिस की ओर से फिर अभियान चलाया गया और फिर 4 महीने बाद आरोपी विमल कुमार पुलिस के हत्थे चढ़ा है। विमल ने एकता गुप्ता की हत्या करने की बात को कबूल कर लिया है। इसके बाद में शुरुआती पूछताछ में विमल पुलिस को लगातार यहां घुमा रहा था, सवालों के सही से जवाब नहीं दिए गए। आखिर में डीएम बंगले के पास लाश दफनाने का, शव दफनाने का खुलासा जो है वो खुद उसकी ओर से किया जाता है और उसके बाद वहां से शव को बाहर निकाला जाता है। पूरा ये जो है ना ऑफिसर्स क्लब, यहाँ पे देखे तमाम ऑफिसर्स की आवाज बने हुए हैं। तो ये एक तरीके से वहाँ पे जो पूरा का पूरा गेट है, 2 गेट बने हुए हैं। तो यहाँ पे बैडमिंटन खेलने भी लोग आते हैं, जिम करने भी आते हैं, तो ये उसका पार्ट नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये चूंकि ये जगह थी, यहाँ पे रहता था, यहाँ पे भी ये ट्रेनिंग, यहाँ पे जैसे जिम के थे लोग, अधिकारी आते थे, देते थे, ये उसका पार्ट था। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये जो जगह थी उसने गड्ढा खोदा था और यहाँ पे ला करके उसने गेट है, पुलिस की इतनी गारद रहती है, जज कंपाउंड है, इसके बाद भी इतनी सिक्योरिटी की, मैंने कहा